बच्चे बुक्स सबके पास हैं, हिंदी की बुक्स? यस मैम। अपनी बुक बेटा अपने साथ में खोलनी है, ठीक है? पार्ट टू खोलो बेटा, पार्ट टू खोलो हिंदी की बुक का। खोल ली बेटा बुक अपनी? यस मैम। ओके आज पढ़ना बेटा हमने पार्ट टू। कौन पढ़ेगा बेटा आप में से? हाँ जी बोलो, कौन पढ़ना चाहता है? हाँ मैं पढूं? जी पढ़ो बेटा। कभी कभी चैप्टर टू अपराजिता। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व में से मिला देता है विलक्षण जिससे होता है बेटा अनोखा, विलक्षण। आगे वेरी गुड मॉर्निंग। इसे देख गुड मॉर्निंग स्वयं बेटा, अपने जीवन की रिक्तता गुड बहुत मॉर्निंग लगती है। हमें तब लगता है कि भले मैम। ही उस मैम हाँ जी बेटा, हाँ अंत जी, के मेरी लिए तेरी क्लास आ गई है, लुबड़ा एक हिंदी बुक नहीं करना कमरे चो। हाँ जी आप पढ़ो बच्चे। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिससे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतवी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे दिगिन कर हमें उससे वंचित नहीं कर सकता। हाँ जी आगे पढ़ो बेटा। मैम नेक्स्ट पहला। हाँ जी बेटा, उसकी कोठी बेटा का मुझे इस पाठ में क्या बताया है लेखिका ने, ये मैं आपको बाद में इकट्ठा ही बता दूंगी बेटा, पढ़ दो आगे भी। उसके ओके मैम। हाँ जी पढ़ो बच्चे आगे। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में उत्ती को दोषी नहीं ठहराता। मैंने अपनी पिछली पिछले ही महीने एक ऐसी अभीर काया देखी है जिसे अभिशप्त काया, विधाता ने विषाक्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे उसे वह नरमस्तक नांदरी मुद्रा में झेल रही है। विधाता को कोसकर नहीं, उसकी कोठी का आहात एकदम हमारे बंगले के आहेत से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक 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 पो प्रोण पोंड ने उड़ उड़ पोंड ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकाल कर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपनी निर्जीव धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा। फिर
जी आगे पढ़ो बेटा। फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नित्य समझ समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती। ठीक आवागमन आवागमन होता है आते जाते देखना, ठीक है। आवागमन आना जाना उसका देखती थी वह, ठीक है। लेखिका क्या कहती है कि मैं उसका आवागमन देखती। आवागमन होता है बेटा आते जाते देखना उसको, ठीक है, कि वह कैसे अपने आप ही स्वयं चलाती हुई आवागमन से देखती है, ठीक है। आवागमन देखती है बेटा उसका कि कैसे खुद ही चला के वह चली जाती है दुखी होके आगे जाती। ठीक ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस क्या मैम अमानवीय है बेटा ध्यान से पढ़ो अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बीते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आँखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े जिससे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा की गाड़ी चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न युवा के साथ साथ धीरे धीरे वह मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गही है। केवल एक हाथ खोकर ही अपने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा जिसका निचला धड़ है निशान मांस पीड मात्र सदा उत्फुल्ल है। चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं। बुद्धि दीप्त आंखों में उद्यमय उत्साह प्रतिपल प्रतिशण भरपूर उत्कट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। मैडम आप लखनऊ जाते ही क्यों मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वह आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। मैडम आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहां की कोई फेलोशिप मिल सकती है। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत
हो जाते हैं कि जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है और इधर लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। आजकल वह IIT चेन्नई में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उससे उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। आगे पढ़ो बेटा, मैं यहाँ से पढ़ो बच्चे। मैडम मैं चाहती हूँ कि मैडम मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बनाकर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निजीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसे सुगन बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। एक मिनट बच्चे, बेटा सभी बच्चे ना अपनी इस बुक पे पेंसिल के साथ ना टिक लगा लो बेटा, यहाँ तक पढ़ेंगे हम आज। आगे की कहानी बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखो इस कहानी में क्या बताया गया था, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा बेटा मैं आपको बताऊंगी। आज हमने बेटा आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पार्ट 2 पढ़ा है, जो कि लेखिका शिवानी जी का लिखा हुआ है, ठीक है बेटा? किसने लिखा है ये, क्या नेम है लेखिका का? शिवानी जी। शिवानी, शिवानी ने लिखा हुआ बेटा ये पार्ट। शिवानी जी क्या कहती है इसमें, ये पार्ट 2 जिसका मतलब है असफलता। बेटा पार्ट 2 इसका मतलब क्या है, असफलता। लेकिन इस पार्ट में एक ऐसी महिला की बात की गई है जो असफल होके भी सफल हो गई, ठीक है? एक असफल महिला जो असफल होके भी सफल होगी। कैसे सफल हुई वो, सफलता कैसे मिल गई उसको? अब आगे पढ़ते हैं हम कि लेखिका इस पार्ट में बताती है कि एक किसका बताती है बेटा इस पार्ट में, एक ऐसी लड़की जो 5 साल की थी। एक ऐसी लड़की की कहानी बताती है जो 5 साल की थी, तो वह पोलियो की वजह से उसके गले में गले से नीचे का बेटा जो हिस्सा था ना वो चलना बंद हो गया था, ठीक है? तो लेखिका इस पाठ में बताती है कि वह लड़की जो 5 साल की थी जब पोलियो की वजह से उसके गले से नीचे का हिस्सा चलना बंद हो गया था, इसके भयानक अभिशाप होता है बेटा, जो शाप मिलता है ना विधाता किसको कहा गया है इस पाठ में बेटा, विधाता कहा गया है भगवान को। भगवान ने उस लड़की को ये अभिशाप दे दिया, तो इतना बड़ा भयानक अभिशाप के बावजूद उसकी माँ ने हिम्मत नहीं छोड़ी, ठीक है? उसकी बेटी का एक गले से नीचे का जो हिस्सा था वो चलना बंद हो गया, तब भी उसकी माँ ने हिम्मत नहीं छोड़ी, ये बताया बेटा इसमें, ठीक है? तो आगे वह क्या कहती है कि उसकी माँ ने हिम्मत भी नहीं छोड़ी, ना ही कभी विधाता से यह कहा। विधाता किसको कहा गया बेटा, बच्चे विधाता किसको कहा गया है, भगवान को कहा गया है कि विधाता से, ना ही कभी उसकी माँ ने विधाता से यह कहा कि भगवान इसे उठा लो, ठीक है? हम देखते हैं बेटा किसी को थोड़ा सा भी कोई दुख आ जाता है, ठीक है, कोई सामान्य सी छोटी सी हड्डी टूट जाती है या कुछ हो जाता है, तो हम यही बोलते हैं कि हे विधाता हमें उठा ले, है ना? बोलते है ना बेटा, बच्चे आवाज सुनाई देती है आपको? बेटा आवाज सुनाई देती है आपको?
यस मैम। ओके, तो विधाता बेटा भगवान को कहा गया है इसमें। तो हम देखते ही हैं बच्चे कि हम बोलते हैं ना कि थोड़ा सा कुछ हो जाता है, कहीं चोट लग जाती है, तो सामान्य सी छोटी सी हड्डी टूट जाती है, तो हम बोलते हैं कि हे विधाता हमें उठा ले, ठीक है, यही बोलते हैं। तो उसकी माँ ने ऐसा नहीं किया, लेखिका बताती है कि उसकी माँ ने ऐसा नहीं किया। उसकी बेटी जो 5 साल की थी, पोलियो की वजह से उसके गले का नीचे का दर्द चलना बंद हो जाता है, तो उसे ऐसा देख भी उसकी माँ ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने ना ही विधाता को कभी यह कहा है कि भगवान इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत बली है, ठीक है, मौत नहीं मांगी उसने अपनी बेटी के लिए। क्या कहा आगे, बल्कि आए दिन क्या किया उसने, बल्कि आए दिन वह उसके जीवन की भीख मांगी। मौत ना मांग के अपनी बेटी के लिए उसने क्या मांगा, जीवन मांगा कि उसको जीवन दो, जिंदगी दो उसको। उसके हाथ पांवों में गति बिल्कुल नहीं थी, उसके हाथ पांव में बेटा बिल्कुल गति खत्म हो गई, गले के नीचे का हिस्सा ही चलना बंद हो गया, तो उसके हाथ पांव भी हिल नहीं पाते थे। तब भी उसकी माँ ने हिम्मत नहीं छोड़ी। बाद में क्या हुआ कि 1 साल के बाद, इतनी दवाइयां लेने के बाद, इलाज के बाद क्या हुआ कि एक दिन स्वयं होते बेटा अपने आप ही क्या हुआ कि स्वयं उसके हाथों में गति आनी स्टार्ट हो गई। हाथों में गति आई, हाथ हिलने लगे, नन्नी उंगलियां उसकी माँ को बुलाने लगी। हुआ क्या बेटा कि उसका गले से नीचे का हिस्सा बंद हो गया था चलना, तो 1 साल के बाद इलाज के बाद क्या हुआ कि उसके हाथों में, पांवों में नहीं, हाथों में ओनली, हाथों में गति आनी स्टार्ट होगी, उसकी नन्नी उंगलियां उसकी माँ को बुलाने लगी। तो इतना ही, इतने में बेटा उसको हौसला हो गया थोड़ा सा, उसकी माँ को हिम्मत मिल गई, उसके हाथ हिलने लगे, नन्नी उंगलियां उसकी माँ को बुलाने लगी। बस अब निचला दर्द ही ऐसा था जिसमें गति ना थी, बस अब निचला ही दर्द क्या था, एक ऐसा दर्द बचा था जिसमें गति ना थी, ठीक है। तो हाथों की चलने की वजह से उसकी माँ को हिम्मत मिल गई थी थोड़ी सी, ठीक है बेटा। ये लेखिका ने बताया ये सब कुछ। अब हम जानते हैं बेटा कि लेखिका को ये सब कैसे पता चला, लेखिका को कैसे पता चला ये सब उसकी कहानी का। तो देखते हैं बेटा आगे कि लेखिका को कैसे पता चला। लेखिका बताती है कि पिछले ही महीने उसने एक ऐसी अभिशप्त काया को देखा। बेटा लेखिका बताती है कि उसने पिछले महीने, 1 महीने बाद की कहानी है ये, जब लेखिका ने ये कहानी बताई है उस लड़की, ठीक है। तो लेखिका कैसे बताती है कि उसने पिछले महीने एक ऐसी लड़की को देखा, एक ऐसी अभिशप्त काया, अभिशप्त काया जो शाप जिसको मिला हुआ था बेटा, शाप मिलना मतलब कोई कठिनाई होना, ठीक है। कौन सी कठिनाई थी उसको, कि उसका गले से निचले वाला दर्द पोलियो की वजह से चलना बंद हो गया था। समझ आया बेटा यहाँ तक। आगे क्या बताती है लेखिका, लेखिका बताती है कि पिछले ही महीने उसने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी जिसे विधाता ने इतना दंड दिया है, लेकिन इसके बावजूद उसने विधाता को कभी नहीं कोसा। उसने बेटा भगवान को कभी ऐसे नहीं कहा कि आपने मुझे ये दंड दिया, आपने मुझे ऐसा बना दिया, ठीक है, मैं चल नहीं सकती, मैं हाथ नहीं हिला सकती, ठीक है। तो क्या कहा बेटा उसने, लेखिका बताती है कि पिछले ही महीने उसने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी जिसको शाप मिला था बेटा कि उसके हाथ पांव चलने बंद हो गए थे पोलियो की वजह से, उसका निचला दर्द चलना बंद हो गया था। तो एक ऐसी अभिशप्त काया को देखा जिसे विधाता ने इतना दंड दिया है, लेकिन इसके बावजूद उसने विधाता को, भगवान को कभी नहीं कोसा कि उसने मुझे इतना दंड दिया। उसकी कोटी आगे लेखिका बताती है कि उसको उस लड़की का कैसे पता चला। वो बोलती है कि उसकी कोटी का अहाता लेखिका के बंगले के साथ ही जुड़ा था। बेटा जो लेखिका है उसका बंगला था, उसका अहाता, जो लड़की थी 5 साल की
जिसको अभिशाप मिला हुआ था, इतना अभिशाप इतना दंड मिलने के बाद जिसने विधाता को नहीं कोसा उसकी कोठी का अहाता भी उनके अहाते से जुड़ा हुआ था। आगे क्या बताते हैं बेटा, गाड़ी से निकलने के बाद वे स्वयं ही वीर चलाती हुई कोठी में चली गई। ठीक है, गाड़ी से निकलने के बाद वे स्वयं ही चलाते हुए आगे कोठी में चली गई। जब लेखिका ने एक ऐसी लड़की की कहानी सुनी तो उसे वह किसी देवांगना, देवांगना का मतलब होता है बेटा देवी, देवांगना भाव किसी देवी से कम ना लगी। कितनी मुश्किलों के बावजूद भी उस लड़की ने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। लेखिका चाहती थी कि ये पंक्तियों को, लेखिका क्या चाहती थी बाद में, कि इस पंक्तियों को वह किसी इंसान को पढ़ाना चाहती थी। बेटा कौन था वो इंसान? लेखिका चाहती थी कि ये पंक्तियों को वह उदास आंखों वाला कौन सा इंसान था? लखनऊ का मेधावी युवक, मेधावी लखनऊ में बेटा एक उसे मेधावी युवक युवक मिला। मेधावी होता है बेटा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। एक मेधावी युवक भी पढ़े, ठीक है, जो लखनऊ का एक मेधावी युवक था वो उसको कहाँ पे मिला था? वो उसने बेटा उसको उस मेधावी युवक को कहाँ देखा था? उसने अपनी बहन के यहाँ देखा था। तो वह बताती है, लेखिका क्या बताती है, कि वह चाहती थी कि ये पंक्तियों को वह उदास आंखों वाला लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ ही माह पहले, कुछ ही माह मतलब बेटा माह किसको बोला गया, महीनों को, कुछ ही माह पहले अपनी बहन के यहाँ देखा था, अपने बहन के यहाँ देखा था बेटा उसको। तो वह कौन सा था? बुद्धिमान। उसे कैसे पता चला कि वह बुद्धिमान है? उसे पता चला बेटा कि बुद्धिमान उसने मेधावी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह IAS का इम्तिहान देने गया। एक दिन क्या हुआ कि वह मेधावी युवक जो उसे मिला था अपनी बहन के यहाँ, तो वो बोलती है कि वह मेधावी युवक IAS का इम्तिहान देने गया। IAS का इम्तिहान देने गया तो लौटते समय क्या हुआ? लौटते समय बेटा स्टेशन पे ना वो चाय लेने के लिए गाड़ी से निकला। जब चाय लेने के लिए गाड़ी से निकला तो गाड़ी चल पड़ी पीछे से। चलती गाड़ी में यह हाथ में कुल्हड़ बेटा, कुल्हड़ होता है एक मिट्टी का मटकी बोल सकते हैं हम। कुल्हड़ क्या होता है? एक मटकी होती है जिसमें उसने चाय को पकड़ा हुआ था। ठीक है, छोटी छोटी बेटा स्टेशन पे क्या था कि छोटी छोटी सी मटकियों में ना चाय देते थे। ठीक है, तो उस मटकी को, उस कुल्हड़ को हाथ में लेके उस कुल्हड़ के सहत ही वह उस कुल्हड़ के साथ ही वह चढ़ने लगा। तो चढ़ते चढ़ते क्या हुआ, वह नहीं चढ़ पाया तो उसका क्या हुआ, उसका हाथ पहिए के नीचे पड़ गया। ठीक है बेटा, जिसकी वजह से उसका दायां हाथ चला गया, अपने आप को संभाल ना पाया, नीचे पड़ा तो उसका हाथ पहिए के नीचे पड़ गया। तो पहिए की वजह से पहिया उसके हाथ पे चढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसका दायां हाथ चला गया। दायां होता है बेटा सज्जा। ठीक है, सज्जा हाथ, उसका दायां हाथ चला गया। इसी गम से वह विच्छिन्न, विच्छिन्न होता है बेटा अलग होना। इसी गम से वह विच्छिन्न हुई भुजा, विच्छिन्न हुई भुजा का मतलब है बेटा अलग हुई भुजा के साथ साथ अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठा। उसका हाथ, उसकी भुजा तो चली गई थी, लेकिन क्या हुआ कि वह इसके साथ साथ अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठा था। ठीक है, मानसिक संतुलन क्या खोना, मानसिक संतुलन खोना क्या होता है बेटा? मानसिक संतुलन क्या होता है कि अपनी सोचने समझने की क्षमता भी वह खत्म होगी उसकी, खो बैठा उसको। ठीक है, तो अपने हाथ के साथ साथ, भुजा के साथ साथ वह अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठा। तो आगे क्या हुआ, दुख बुलाने के लिए वह नशे की गोलियां खाने लगा कि मैं इस गम को भूल जाऊं कि उसका हाथ, उसकी भुजा एक स्टेशन पे आते आते इम्तिहान देने
के बाद जब वह वापिस आने लगा तो उसका हाथ चला गया था, बुझा चली गई थी, तो इस गम को मिटाने के लिए वह नशे की गोलियां खाने लगा। केवल एक हाथ खोके उसने अपनी हिम्मत को छोड़ दिया। ठीक है बेटा, एक हाथ खोने से ही उसने अपनी हिम्मत को छोड़ दिया। बट अब देखो उसके बाद क्या था, वह बताती है कि यहाँ क्या हुआ था। यहाँ जो उसने एक लड़की की व्यथा आपको सुनाई है, एक गाथा उसको सुनाई है, वो जो पंक्तियां में उसने बताई है, उस पंक्तियों में क्या बताया उसने, एक ऐसी लड़की की कहानी बताई थी जिसका गले से निचला दर्द पोलियो की वजह से 5 साल में ही चलना बंद हो जाता है। तो ऐसी लड़की की व्यथा वो इसलिए सुनाना चाहती थी कि बेटा कि उसको उस मेधावी युग को पता चले कि वो तो एक हाथ जाने की वजह से, एक बूझा जाने की वजह से उसने हिम्मत को छोड़ दिया, लेकिन यहाँ एक ऐसी लड़की थी जिसका निचला दर्द बिना जान के है। बिना जान के होना मतलब बेटा उसमें जान नहीं थी, वो चल नहीं सकता था, उसके हाथ पैर की गति बंद हो गई थी। ठीक है, तो एक ऐसी लड़की की कहानी सुनेगी, ठीक है, जो कि सदा उत्कुल है, इतना होने के बावजूद उसने कभी भी विधाता को नहीं कोसा। तो एक ऐसी लड़की की कहानी वह उसे सुनाना चाहती थी जो सदा उत्कुल है। उत्कुल होना होता है बेटा खुश होना, ठीक है, इतना होने के बावजूद भी वह लड़की खुश थी बच्चे। ठीक है, उसके बाद है बेटा बुद्धिपत आंखों में उद्मय उत्साह। बुद्धिपत आंखों बेटा, बुद्धिपत आंखों में उद्मय उत्साह होना मतलब उसकी आंखों में चमक थी, खुशी थी तब भी इतना होने के बावजूद। उत्कट जिजीविषा, जिजीविषा होता है बेटा जीवन जीने की इच्छा। जिजीविषा क्या होती है बच्चे, जीवन जीने की इच्छा। न जाने इसके अलावा कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं उसके मन में थी। उसने कभी भी हौसला नहीं छोड़ा था बच्चे। ठीक है, लेखिका कहती है कि यहाँ कभी सामान्य सी, हमने पढ़ा ही है बेटा पहले पाठ पढ़े ना बच्चे, तो उसमें लेखिका ने क्या बताया था, क्या पढ़ा था हमने, कि यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी, सामान्य मतलब एक छोटी सी हड्डी टूटने से भी क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि हे विधाता हमें उठा ले, बोलते हैं ना, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं कहा बच्चे। ठीक है, उसने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हे विधाता हमें उठा ले। लेखिका कहती है कि यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूट जाए या मोच आ जाए, जान निकल जाती है, लेकिन इस लड़की का निचला दर्द सुन्न होने के बावजूद, भी इसकी बोटी बोटी फड़कती है। ठीक है, मतलब कि कभी उसने हौसला नहीं छोड़ा। बोटी बोटी फड़कना, उसके हाथों में तो गति आ ही गई थी, ठीक है, लेकिन इतनी मुसीबत के होने के बाद भी कभी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने स्वयं अपनी जिजीविषा का साधन बनाया। ठीक है, जिजीविषा क्या होती है, जीने की इच्छा को उत्साहित किया उसने। ठीक है, उसके बाद है बेटा वह लेखिका को कहने लगी कि, उसके बाद क्या था कि जो वह लड़की थी वह लेखिका को कहने लगी कि मैडम आप तो देखती है, क्या देखती है कि उसकी माँ को उसके लिए गाड़ी चलानी पड़ती है। बेटा उसकी माँ ही उसके लिए गाड़ी चला के जाती थी, यहाँ कहीं भी लेखिका ने जाना होता था तो उसकी माँ उसको गाड़ी में लेके जाती थी। तो क्या होता था कि जब उसकी माँ उसको गाड़ी में लेके जाती थी, गाड़ी उसकी माँ को चलानी पड़ती थी उसके लिए, वह बताती है कि उसने ऐसी एक गाड़ी का नक्शा बनाया। देखो उसमें कितनी हिम्मत थी बच्चे, इतना कुछ होने के बावजूद भी उसका निचला हिस्सा चलना बंद हो गया था, तो इतना होने के बावजूद भी वो बोलती है कि उसने एक ऐसी ही गाड़ी का नक्शा बनाया। उसने बेटा उस गाड़ी का नक्शा भी बना लिया था, एक ऐसी गाड़ी जिसको वह खुद चला सके, अपनी माँ को तकलीफ ना दे, एक ऐसी गाड़ी का नक्शा बनाया जिसे वह खुद चला के अपने अस्तित्व को भी सजीव बना सके।
ठीक है बेटा, अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को बेटा वो नाम देना चाहती थी, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, सब कुछ संजीव बनाना बेटा, जिसमें जान होती है, जीव का अंश होता है जिसमें जान होती है, वो एक ऐसी गाड़ी बनाना चाहती थी जिससे वह अपने अस्तित्व को भी संजीव बना सके। मतलब वह ऐसा नक्शा बनाया उसने कि वह खुद उस गाड़ी को चला के जा सके, ठीक है। तो उसने क्या किया, वे अपना काम स्वयं ही निपटा, ठीक है। अब यहाँ तक बेटा हमने ये कहानी पढ़ी थी, आदि सबको समझ आ गई बच्चों? आगे की कहानी बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बच्चे अपने आप को अनम्यूट पे लगा के अब आप बता सकते हो कि आपको जितना हमने पढ़ा है समझ आ गया? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? Yes, ma'am. कुछ? No, ma'am. हाँ जी, किसी ने पूछना बेटा कुछ? No, ma'am. हमने बेटा आज कहानी पढ़ी है बच्चे, अब हम उस कहानी की वीडियो देखेंगे बेटा। देखनी है आपने वीडियो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इस कहानी की वीडियो देखते हैं बेटा। चार्जर कर दो, 643 हो।